नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज हम जो वीडियो सीरीज लेके आए हैं इसमें हम कवर करेंगे आपके लिए वीएमसी प्रोग्रामिंग कंप्लीट, जो कि हम 6 से 7 घंटे के अंदर जो है पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट कर देंगे और आपको जो है 80% वीएमसी प्रोग्रामिंग सिखाने का वादा करते हैं। आपको इस पूरी वीडियो सीरीज को काफी ध्यान से देखना है। अगर आप बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तब भी जो है आप इसको स्टार्टिंग से सीखेंगे तब भी आपको जो है 80% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप प्रोग्राम बना सकते हैं। अब क्योंकि वीएमसी मशीन की प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं तो इसके लिए जो है हमें पूरी की पूरी डिटेल स्टार्टिंग से लेकर चलनी है, ताकि जो है आपको हम पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको इजी वे में समझा सकें। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मेरा नाम विपिन कुमार यादव है और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है एमडीयू रोहतक से। साथ में जो है मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सीएनसी कैड कैम जो कि मैंने किया है इंडो डैनिश टूल रूम जमशेदपुर से। इसके अलावा मेरे पास 5 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जहां पर मैंने अलग अलग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में काम किया हुआ है। इसके साथ में जो मेरा 7 साल का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस रहा है, जो कि सिग्मा यूथ इंजीनियर्स अकेडमी के साथ में मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। तो यहाँ पर जो है हम सिग्मा यूथ इंजीनियर्स अकेडमी की तरफ से ऑनलाइन सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम आपको 5 से 7 घंटे के अंदर जो है वीएमसी प्रोग्रामिंग सिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो सीरीज को आप ध्यान से देखें और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो अपने कॉमेंट्स, अपने विचार जरूर कॉमेंट में डालें, जिससे कि हम इस कंटेंट को और बेटर कर सकें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहां पर जो है हम सबसे पहले समझेंगे कि सीएनसी मिलिंग या फिर वीएमसी मशीन बेसिकली है क्या। सीएनसी मिलिंग मशीन को ही हम वीएमसी मशीन कहते हैं और वीएमसी मशीन की जो फुल फॉर्म होती है वर्टिकल मशीनिंग सेंटर या फिर वर्टिकल मिलिंग सेंटर, ये दोनों ही नाम जो है सीएनसी मिलिंग मशीन के हैं। तो यहां पर देखिए वीएमसी मशीन हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मशीनिंग हम करते हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में करते हैं और जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा जो टूल फिक्स होता है उसकी जो एक्सेस होती है उसका जो मूवमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि अप और डाउन के अलावा जो है हमारा जो टूल है वो लेफ्ट और राइट मूव नहीं करता है वीएमसी 3 एक्सिस की। और यहां पर देखिए वीएमसी मशीन के अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि जो वर्क पीस है वो आपका बेड के ऊपर फिक्स होता है, टूल हमारा रोटेट करता है, वर्कपीस हमारा बेड के ऊपर फिक्स होता है, बेड का मूवमेंट एक्स और वाई एक्सिस में होता है, इसीलिए जो है ये वर्टिकल मशीनिंग सेंटर कहलाती है। अब वीएमसी मशीन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि वीएमसी मशीन जो हम यूज करते हैं उसके अंदर जो है आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा और आपको जो है मशीनिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये दो चीजों का जो है कॉम्बिनेशन आपका वीएमसी मशीन कहलाती है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जिससे हम ऑपरेट करेंगे वो हमारा जो है कंट्रोल पैनल कहलाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंट्रोल पैनल है इसके बारे में समझ लेते हैं। ये हमारा ओल्ड फैशन्ड जो है वीएमसी मशीन का कंट्रोल पैनल है जो कि पुरानी सीरीज में हम चलाते थे, ठीक है। ये हमारा लेटेस्ट जो कंट्रोलर है जो कि आज की मशीन के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोनों का फंक्शन सेम है बट जो ऑपरेट करने का मेथड है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, कीज थोड़े से बदल गए हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। यहां पर समझ लेते हैं कि बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो हम किस तरीके से इसमें यूज करेंगे। जब भी हम वीएमसी मशीन के अंदर प्रोग्राम डालेंगे तो हम इनपुट कीज का यूज करेंगे। ये हमारी इनपुट कीज है, इनके ऊपर जो है जो बटन दिए हुए हैं इन बटन के थ्रू जो है हम जी कोड और एम कोड को लिखेंगे, तभी जो है हमारा जो प्रोग्राम है वो बनेगा और प्रोग्राम जो डिस्प्ले होगा वो इस स्क्रीन पर होगा, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमको जो है प्रोग्राम बनाना सीखना है। अब यहां पर देखिए ये आपके जो है आपके ऑपरेटर पैनल कीज होते हैं, इसमें जो है आपको ऑपरेटर को जो है कैसे इसको चलाना है, चलाने के लिए आपको ग्रीन बटन दबाना होता है जिसके ऊपर लिखा होता है साइकिल ऑन, और रोकने के लिए जो है आपको साइकिल ऑफ बटन दबाना होता है। साथ में जो है अगर आपको कभी इमरजेंसी पड़ जाती है, अचानक से मशीन को रोकना है, तो आपको जो है ये इमरजेंसी बटन प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है आपका कॉमन है, बाकी देखिए डिटेल में अगर हमें जाएंगे तो इसमें काफी लंबा समय लगेगा। अभी हम समझते हैं कि वीएमसी मशीन का जो कंट्रोल पैनल है वो बेसिकली क्या फंक्शन करता है। इस कंट्रोल पैनल की मदद से
हम प्रोग्राम को डालते हैं मशीन के अंदर और इस साइकिल बटन ऑन करते ही जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और मशीन को ये समझा देता है कि जो कमांड आपको दी जा रही है उस हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, तो आपकी मशीनिंग हो जाती है। अब क्योंकि वीएमसी मशीन के हमें जो है सारे पार्ट्स के बारे में जानना है तो नेक्स्ट पार्ट के हम जो है समझ लेते हैं। ये है आपका वीएमसी मशीन बेड प्लेट। ये बेड प्लेट बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आपको कंपोनेंट को रखना है, जिस भी कंपोनेंट को आपको बनाना है। ठीक है, जो भी साइज आप डिसाइड करेंगे वो जो है इस बेड के साइज के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि जो भी कंपोनेंट आप रखेंगे वो इस बेड के साइज से जो है छोटा होना चाहिए, तभी जो है आप इस पर मशीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो देखिए ये टी स्लॉट्स बने हुए हैं, इन स्लॉट्स के अंदर जो है आपको टी नट लगाना होता है, उस टी नट की हेल्प से जो है आप कंपोनेंट को होल्ड कर सकते हैं या फिर आप फिक्चर को होल्ड कर सकते हैं। अब फिक्चर क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। मशीन के ऊपर देखिए अलग अलग शेप साइज के जो है कंपोनेंट आप बना सकते हैं। वीएमसी मशीन की खास बात यही है कि इसके ऊपर आप किसी भी शेप का जो है कंपोनेंट लगा सकते हैं और कंपोनेंट को लगाने के लिए जो है आपको होल्ड करना पड़ेगा उस कंपोनेंट को, और उस कंपोनेंट को होल्ड करने के लिए जिस डिवाइस की जरूरत पड़ती है उसको हम वीएमसी फिक्स्चर बोलते हैं। ये हमारे फिक्स्चर है। ठीक है, इस फिक्स्चर के ऊपर जो है ये हमारी जो है प्लेट लगी हुई है। ठीक है, ये क्लच प्लेट जो बनाई हुई है उसका जो है ये फ्रेम बना हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही ये एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को होल्ड करने के लिए जो है ये पूरा फिक्स्चर का डिवाइस जो है आपका लगाया हुआ है। ठीक है, अब इस फिक्स्चर के ऊपर जो है आपको क्लैंपिंग डिवाइस लगे हुए हैं। ठीक है, इन क्लैंपिंग डिवाइस से जो है इस वर्कपीस के ऊपर प्रेशर रखना होता है, मेंटेन रखना होता है, और प्रेशर को कितना मेंटेन करना है इसके लिए जो है आपके सामने ये गेज दिया होता है। इसमें आपको जो है प्रेशर दिया होगा कि हाइड्रोलिक प्रेशर कितना इसके ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक है, अब आपको इतना प्रेशर लगाना है जितना कि इस कंपोनेंट के ऊपर कोई भी डेंट या निशान ना पड़े, जिससे कि आपका जो है वर्कपीस की जो फिनिशिंग है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये चीज इस मॉनिटरिंग डिवाइस के ऊपर लगी रहती है। तो ये आपका वीएमसी फिक्स्चर है, ये आपका बेड है, इस बेड के ऊपर जो है आपको ये फिक्स्चर लगा देना है जिससे कि आपका जो कंपोनेंट है वो सही तरीके से फिक्स हो जाए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वीएमसी का स्पिंडल। ये स्पिंडल बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर जो है आपको टूल को होल्ड करना है, टूल जो होल्डर होगा वो आपको इसके अंदर लगाना है। ठीक है, ये आपका स्पिंडल है मशीन का, इसमें जो है ये आपका टूल लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका कंपोनेंट है, तो इस स्पिंडल को जो है रोटेट करने के लिए एक स्पिंडल मोटर होती है जो इस पूरे स्पिंडल को हाई स्पीड पर रोटेट करती है, जिसकी मदद से जो आपका टूल रोटेट करता है, और टूल जब रोटेट करता है तो वो कटिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिन भी स्टूडेंट्स को जो है वीएमसी मशीन जिन लोगों ने नहीं देखी है उनके लिए जो है ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो मशीन के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपकी मशीन है, यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका स्पिंडल लगा हुआ है और ये आपका कंपोनेंट लगा है। इस तरीके से जो है आपको ये पूरी मशीन दिखेगी, और अलग अलग आप देखेंगे तो देखिए ये आपका कंट्रोल पैनल है, इसके अलावा ये आपका बेड है जिसके ऊपर आपको जो है ये फिक्स्चर को सेट करना है, और ये आपका फिक्स्चर है जिसके ऊपर आपको कंपोनेंट को होल्ड करना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके वीएमसी के बारे में थोड़ी सी बेसिक, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है आपका वो है आपका वीएमसी स्पिंडल। स्पिंडल के अंदर जो है आपको टूल होल्डर लगाना है, टूल होल्डर देखिए ये टूल होल्डर लगा हुआ है, इसके साथ में जो है आपका ये अटैचमेंट लग के ये टूल लगा है। ठीक है, तो टूल होल्डर आएगा, पहले स्पिंडल, फिर टूल होल्डर, फिर टूल, तो ये तीनों का जो है कॉम्बिनेशन आपका चलता है। तो स्पिंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया ये स्पिंडल है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है वीएमसी टूल होल्डर। अब टूल होल्डर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो साइज है बिल्कुल स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, अब आपको जो है BT30, BT40, BT50 इस साइजेस में जो है आपका ये टूल होल्डर आता है। जब भी आप मशीन परचेस करेंगे तो उसका जो स्पिंडल का जो साइज है, यहां पर दिखा देता हूं, यहां पर देख सकते हैं ये आपका जो है टूल होल्डर का ग्रिप करने का साइज है, ये आपका स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, जब अगर आप BT30 का लेंगे तो आपको इसमें BT30 का ही टूल होल्डर लगाना है, अगर आप BT40 का लेंगे तो BT40 का जो आपको टूल होल्डर लगेगा। ठीक है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये वन टाइम जब आप परचेस करते हैं मशीन तभी आप जो है इसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये BT30 का जो है आपका टूल होल्डर है। अब BT30 बेसिकली क्या होता है, ये टेपर जो वैल्यू दी होती है इसको जो है डिफाइन करता है BT30।
इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको भी आप देख लेंगे आपको समझ में आएगा। फिलहाल जो है हम बेसिक जो नॉलेज देने वाले हैं वो आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि जो है जब हम प्रोग्रामिंग करें और जब हम ये टर्म्स यूज करेंगे तब आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये बिगिनर्स के लिए है जो कि फर्स्ट टाइम इस VMC प्रोग्रामिंग को समझ रहे हैं। ठीक है, ये है आपका पुल स्टड, इसको बोलते हैं रिटेंशन नॉब। ठीक है, ये टूल होल्डर के ऊपर लगती है और ये जो है स्पिंडल के अंदर चली जाती है, जिससे कि इससे क्या होता है, ये इसके अंदर कूलेंट को फ्लो करा सकते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर से हम कूलेंट को फ्लो करा सकते हैं, वैक्यूम यानी एयर को डाल सकते हैं या एयर को खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी रिटेंशन नॉब भी कहलाती है और आपका जो है पुल स्टड भी कहलाता है। ठीक है, इसके बीच में जो है आपका होल होता है, इस होल के थ्रू आप जो है कूलेंट को पास करा सकते हैं। ठीक है, टूल के साइड से जो है आप कूलेंट निकलेगा, जिससे कि आपकी जो है फिनिशिंग बढ़िया आएगी, वो आपका जो फ्लो होगा वो इस रिटेंशन नॉब के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। इसमें देखिए, ये जो है आपका टूल होल्डर ग्रूव, ये जो है ग्रूव स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, इसके आगे जो है ये आपका स्क्रू लगा हुआ है। ठीक है, ये स्क्रू है कैपिंग स्क्रू, इसके बीच में जो है आपको टूल लगाना है। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको टूल लगाना है, ये जो आपका टूल लगा हुआ है, ये देखिए ये आपका टूल लगा हुआ है। ठीक है, 5x8 11 UNC लिखा हुआ है, ये इस साइज का जो है आपका टैपिंग टूल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये टूल आप चेंज कर सकते हैं, होल्डर आप सिमिलर टाइप का जो है होल्डर, उसके ऊपर जो है अलग अलग टाइप साइजेस के जो है टूल लगा सकते हैं। इसके बीच में एक चीज और लगती है जिसको हम बोलते हैं ER collet। ER collet के अंदर जो है हम टूल को रखते हैं, टूल को रखने के बाद जो है हम इसको इस कैप को लगा देते हैं और फिर जो है हमारा टूल रेडी हो जाता है। तो ये हमारा टूल होल्डर बेसिकली है और इसका जो कॉन्सेप्ट है आप वीडियो में भी देख पाएंगे। ठीक है, ये हैं आपके अलग अलग टाइप के टूल्स। ठीक है, ये अलग अलग साइजेस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके सॉलिड कार्बाइड टूल्स हैं, ये आपके इंडेक्सेबल टूल्स हैं। ठीक है, ये आपके सॉलिड कार्बाइड हैं। सॉलिड कार्बाइड मतलब कि एक ही टूल होगा, इसमें आपका कटिंग एज भी मिलेगा और आपको जो है होल्डिंग भी सेम मिल जाएगा। ठीक है, और इंडेक्सेबल वो होते हैं जिसमें कि आप कटिंग एज वाला जो इंसर्ट है वो आप रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं ये इंसर्ट्स को आप जो है रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये एज आपका ब्रेक करता है तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सॉलिड कार्बाइड में अगर आपका एज ब्रेक करता है तो आपको जो है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा नए सॉलिड कार्बाइड टूल से। ठीक है, ये आपके VMC टूल्स हो जाते हैं यहां तक। इसके बाद आते हैं आपके VMC कटर्स। अगर आपको बड़े साइज के जो कंपोनेंट को ऊपर मशीनिंग करनी है तो आपको वहां पर सॉलिड कार्बाइड टूल्स का यूज नहीं करना होता है, वहां पर आपको यूज करने पड़ते हैं बड़े बड़े कटर्स। तो ये कटर्स जो है इसमें क्या होता है, इंडेक्सेबल इंसर्ट्स लगी होती हैं, इन इंसर्ट्स को जो है इसमें लगाया जाता है और इनकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो आपको VMC टूलिंग वाली जो वीडियो सीरीज है वहां पर आपको मिलेगी। तो ये हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि आपको जो है इस टाइप के कटर्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये फेस मिलिंग कटर्स हैं आपके। ठीक है, जो फेस मिलिंग के लिए यूज होंगे। ठीक है, तो अब यहां तक अगर आप आ चुके हैं तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बाद जो है हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये है हमारी VMC एक्सेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो आप जो है मशीनिंग में कभी भी भूलेंगे नहीं। जब भी आप मशीन के सामने खड़े होंगे, ठीक है, इस तरह से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस में ट्रैवल किस तरफ होगा, वाई में ट्रैवल किस तरफ होगा, जेड में ट्रैवल किस तरफ होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इसको राइट हैंड रूल के थ्रू जो है आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए, अपने हाथ की जो राइट हैंड है इसकी उंगलियों को जो है आप इस तरह से रख दीजिए और यहां पर अपने निशान के हिसाब से अपने अंगूठे को देखिए, इसको एक्स मान लीजिए, इस इंडेक्स फिंगर को आप जो है वाई मान लीजिए और ये जो एक्सिस है ये मिडिल फिंगर है, इसको बोलते हैं आप जेड। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, जब भी आप खड़े हो जाएंगे सामने तो आपके सामने जाएगी वो वाई हो गई, आपके लेफ्ट या राइट में जाएगा वो आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस और अप और डाउन होगा वो आपका जेड एक्सिस होगा। तो ये चीज जो है आपको याद करनी है, ये चीज आपको याद तभी होगी जब आप जो है इस हाथ को राइट हैंड रूल को एक अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। राइट हैंड रूल में अपने राइट हैंड को इस तरह से सेट कर लीजिए, ठीक है, ये आप इस तरह से सेट करना है ताकि आपको अंगूठे से एक्स, इससे वाई और ये जेड, एक्स वाई जेड, इस तरीके से जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, अंगूठा आपका एक्स, ये इंडेक्स फिंगर है वो आपकी वाई
और जो मिडिल फिंगर है वो आपका जेड हो जाएगा। ये याद कर लेंगे और आप मशीन के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको जो है कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक्स में आपको कितना ट्रेवल करना है, वाई में कितना ट्रेवल करना है और जेड में कितना ट्रेवल करना है। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस पूरी पिक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। जिसके दिमाग में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी उसको कभी भी प्रोग्रामिंग में दिक्कत नहीं होगी। अब ये जो है कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि मशीन जब भी आप चलाएंगे तो आपको जो है एक्सेस का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी आप जो है एक सही प्रोग्राम, सही मशीनिंग एक्सपर्ट जो है आप बन सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको अभी मिलता है इस ब्रेक के बाद। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और वीएमसी प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज के चैप्टर 2 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और यहां पर जो है हम समझेंगे जी कोड और एम कोड के बारे में। जो प्रोग्रामिंग का बेस है वो आपका जी कोड और एम कोड के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये चैप्टर आप बिल्कुल भी मिस ना करें ताकि जो है आपको कोई भी चीज आगे चल के दिक्कत क्रिएट ना करे। और जी कोड और एम कोड की लिस्ट को कैसे आप ले सकते हैं, इसकी जो पूरी प्रॉपर लिस्ट है वो आपको हमारी वीएमसी एंड एचएमसी प्रोग्रामिंग बुक के अंदर मिल जाएगी। यहां पर जो है आपको रूल्स भी मिल जाएंगे और इसके साथ में जो है आपको ग्रुप नंबर भी मिल जाएगा उस जी कोड और एम कोड के लिए। तो यहां पर देखिए मैं आपको जो है एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ये आपके पास एक जनरल लिस्ट है, ये सभी स्टूडेंट्स के पास जो है भेज दी जाएगी। इसका जो पीडीएफ है ये आपको भेज दिया जाएगा, बट अगर आपको इसको डिटेल में समझना है, ग्रुप नंबर वाइज समझना है, तो वो आप जो है हमारी वीएमसी एंड एचएमसी प्रोग्रामिंग बुक के अंदर जो है आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है ये आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिल जाएगा। जितने भी हमारे सिग्मा यूथ इंजीनियर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किए हुए स्टूडेंट्स हैं वो जो है इस पीडीएफ फाइल को ले सकते हैं। और जो लोग वीएमसी एंड एचएमसी प्रोग्रामिंग बुक को परचेज करना चाहते हैं वो जो है डायरेक्टली हमारी जो वेबसाइट है www.sigmayouthengineer.com इस वेबसाइट के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। और जितने स्टूडेंट्स इस लेक्चर को हमारी एप्लीकेशन के अंदर देख रहे हैं तो इस एप्लीकेशन के अंदर इस वीडियो के नीचे वाला जो सेक्शन है वहां पर जो है आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, साथ में जो है आपको जो ग्रुप नंबर वाली फाइल है वो भी आपको जो है इस ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो है जी कोड और एम कोड को समझने के लिए हम जो है मशीन का भी सहारा लेंगे और साथ में जो है आपको सिमुलेशन के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये लिस्ट जो है आपकी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहला जो जी कोड है वो आपका G00, जिसका मतलब होता है रैपिड पोजिशनिंग या रैपिड ट्रेवल। तो ये इसको आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक जो है आपको क्लियर होगा नहीं। इसके लिए हम जो है आपको ऑटो कैड की फाइल में ओपन करके दिखा देते हैं। देखिए ये हमने जो है एक सेक्शन बनाया हुआ है इसका G00 रैपिड ट्रेवल के लिए। तो देखिए ये आपका एक कंपोनेंट है, ठीक है। इस कंपोनेंट के पास में जो है ये आपको टूल मिल जाएगा, ये देखिए ये आपको टूल मिलेगा, ठीक है। अब ये टूल जो है ये देखिए ये वाला जो टूल है ये आपको अपनी मशीन की होम पोजिशन पर मिलेगा, ठीक है, जहां पर मशीन जो है रेस्ट करती है उस कंडीशन में ये टूल मिलेगा। तो जब भी टूल को बुलाना है, ठीक है, वर्कपीस के पास बुलाएंगे, जब हमें कटिंग नहीं करनी है तो हम मैक्सिमम तो इसको बुलाने के लिए जो कोड यूज करते हैं वो हमारा G00 रैपिड ट्रेवल, ठीक है। इस कोड का यूज करना है, उससे जो है हम इस टूल को जो है वर्कपीस के पास लाएंगे, फिर यहां से जो है हम इसकी जो कटिंग पोजिशन है वहां पर इसको पहुंचा देंगे, ठीक है। तो ये जो पोजीशन का जो ट्रेवल है जहां पर कटिंग नहीं हो रही है इसलिए जो है हम इस मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड से इस टूल को बुलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है G00 कोड से आएगा, ठीक है। सबसे पहले G0 कोड से हम हाई स्पीड से होम पोजीशन से इसको वर्कपीस के पास लेके आ जाएंगे, फिर यहां से जब हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो हम जो है दूसरे कोड लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा G00 कोड हो गया, ठीक है। अब जिसको 2D में समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए जो है हम इसको 3D व्यू में समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जो है मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए
अब आप यहां पर देख सकते हैं ये हमारा टूल है, ठीक है, ये आपको इस टाइप का मशीन के अंदर टूल मिलेगा। तो ये इतनी दूरी पर है और वर्कपीस यहां पर है आपका, ठीक है। तो अब चूंकि वर्कपीस को पास में लेके आना है तो हम क्या करेंगे, इसको जो है मूव करा देंगे और टूल हमारा मैक्सिमम स्पीड से यहां से यहां तक आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां से हम जो है स्लोली स्लोली लेके जाएंगे, धीरे 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 वो G01 कोड चलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो मूवमेंट होता है फास्ट मूवमेंट, इसके लिए हम G00 कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट जो आपका कोड है वो है आपका G01 लीनियर इंटरपोलेशन, ठीक है। ये वाला जो कोड है इसका मतलब होता है कि जब आपकी कटिंग होगी, टूल की जो कटिंग होगी वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा जब आपका टूल, तो आपको G01 कोड लगाना है, ठीक है। अब ये भी आपको जो है इसमें दिखा देता हूं मैं, ये देखिए, जब आपको अपने टूल का मूवमेंट कराना है, ठीक है, आपको स्ट्रेट लाइन में कटिंग करनी है इस लाइन के सहारे, तब आपको जो है G01 कोड का यूज करना है, ठीक है। चाहे आप ये इस डायरेक्शन में चलें, चाहे आप इस डायरेक्शन चलें, आपको जो है वर्टिकल डायरेक्शन में भी जब भी चलना है तब भी आपको जो है G01 कोड यूज करना है, ठीक है। अगर आप डायगनली भी चलते हैं, ठीक है, इसके डायगनली भी चलते हैं तब भी जो है अगर आप सीधी रेखा को फॉलो कर रहे हैं तब आपको G01 कोड का यूज करना है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका जो है G01 कोड के लिए भी आपको यूज करना है लीनियर इंटरपोलेशन। नेक्स्ट जो कोड है आपका वो है आपका सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। ये थोड़ा सा जो है डिफरेंट कोड है और इसका यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्कुलर इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि हमको जो है एक सर्कल के रूप में जो अगर कटिंग करनी है तो हम जो है G02 या G03, देखिए G02 को देखेंगे तो इसमें देखिए क्लॉकवाइज लिखा है और G03 को लिखा है कि काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब आपको मैं समझा देता हूं कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। जब आप घड़ी की सुई की दिशा में जो है मूव कराते हैं अपने टूल को तो आपका क्लॉकवाइज कहलाता है, और जब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जब आपका टूल मूव करेगा तो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अब इसको जो है हम ड्राइंग में समझ लेते हैं ताकि जो है हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके लिए देखिए मैंने यहां पर जो है एक ये ड्राइंग बनाई हुई है, ठीक है। अब देखो टूल का मूवमेंट यहां से इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है। देखो घड़ी की सुई हमारी चलती है इस डायरेक्शन में, मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसी चलेगी आपकी घड़ी की सुई की दिशा जो रहेगी, ठीक है। ये देखिए घड़ी की सुई की दिशा ये वाली है, ठीक है, यानी कि घड़ी आपकी इस तरफ चलती है। लेकिन अगर आपका टूल का मूवमेंट, ये आपका टूल है, आप टूल को मूवमेंट कराएंगे, ठीक है, देखिए टूल का जो है कटर आपका जो है घूमता घूमता यहां आएगा और यहां से इधर चलेगा, देखिए नीचे कर देता हूं थोड़ा सा, इधर से ऐसे जाएगा अगर, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां पर घड़ी की सुई की दिशा किधर को है, इधर को चल रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ऊपर की तरफ निशान है, ये क्लॉकवाइज है। लेकिन जब ये टूल आपका यहां से होता हुआ ये अंदर की तरफ चलेगा ऐसे, तो यहां पर जो है आपको G02 कोड लगाना है, ठीक है, क्लॉकवाइज में चल रहा है, यहां से देखिए ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, यहां पर आपको G02 लगाना है। यहां पर देखिए, यहां पर आपका जो है टूल कैसे चल रहा है, कटिंग करेगा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है आपका कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज G03, ठीक है। तो G02 हो गया आपका सर्कुलर क्लॉकवाइज और ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये वाला जो कोड आपको लगाएंगे जब टूल का मूवमेंट यहां से करके ले जाएंगे, ठीक है। और अगर टूल का मूवमेंट देखिए, अगर मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपके टूल का मूवमेंट जो है, अगर टूल यहां से लाते हैं, इस तरफ से लेके आ रहे हैं और इधर से लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, ठीक है, तब आपको जो है G02 कोड लगाना है, ठीक। और लेकिन अगर आपका टूल इस तरफ से चलता हुआ जा रहा है और यहां से मूव कर रहा है तब आपको जो है G03 कोड लगाना है। तो ये कंफ्यूजन जो है आपको हो सकती है
इसलिए जो है मैंने यहाँ पर पिक्चर के फॉर्म में जो है आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कई बार ऐसा हो जाता है, स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप जो है टूल का मूवमेंट यहाँ से करके ले जा रहे हैं और इधर घुमा रहे हैं इसको, तो आपको जो है G03 कोड लगाना है। देखिए यहां से यहां तक आपको 3 कोड लगाना है, क्योंकि ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी आपकी चलती है ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, और आप चल रहे हैं इधर से नीचे की तरफ, तो आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी G03 कोड को यूज करना है। ठीक है, जब यहां से चलेंगे आप अंदर की तरफ तो आपको जो है क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको G02 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वहीं अगर आप इस डायरेक्शन से आ रहे हैं और इधर से लगा रहे हैं तब आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन आपको जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो G02 और G03 में जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है ये। अब जो नेक्स्ट कोड है आपका वो देख लेते हैं, वो है आपका ड्वेल स्टॉप। अब ड्वेल स्टॉप का मतलब होता है क्षणिक अंतराल, मतलब छोटे समय के लिए जो है आपको अपने टूल को मूवमेंट रोक देना है। ठीक है, टूल का मूवमेंट का मतलब है कि टूल अप डाउन नहीं होगा और सिर्फ जो है रोटेट करेगा। अब मैं आपको इस चीज को समझाता हूं ये कहां पर यूज होता है। ड्वेल स्टॉप का यूज हम करते हैं ड्रिलिंग करने के लिए, खास करके जब हम होल बनाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो है मुझे थोड़ा सा यहां पर जो है मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं जो है आपको ये टूल का मूवमेंट आपको करा देता हूं। देखिए देखिए, जब आपका टूल, देखिए इसमें आ गया, यहां ड्रिलिंग करता हुआ नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे गया, नीचे वाली पोजीशन पे पहुंच गया, बॉटम पे जाएगा जब ये। ठीक है, तो बॉटम पे क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हम टूल को रोक देते हैं। जब टूल को रोक देते हैं, और रोकने का मतलब है कि नीचे और नीचे नहीं जाएगा ना ही ऊपर वापस निकलेगा, वहीं पर एक जगह पे खड़ा कर देते हैं, और बट ये टूल जो है अपनी एक्सेस पर रोटेट करता रहेगा। तो क्या होगा कि इसके जो बॉटम पोर्शन पे कोई चिप रह गई, मटेरियल रह गई, तो वो जो है हम इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए जो है हम ड्वेल स्टॉप का यूज करते हैं। जनरली क्या है, आपने अगर जेड एक्सिस में ऊपर से ड्रिल कर दी तो ऊपर से नीचे जाएगा टूल और फिर नीचे से ऊपर उठ जाएगा, अगर आपने ड्वेल नहीं दिया तो नीचे जाएगा, लास्ट पोजीशन पे गया और फिर वहीं से ये ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम बनाएंगे, लेकिन जब आप ड्वेल दे देंगे तो जितना ड्वेल टाइम देंगे, जैसे एक सेकंड के लिए आपने कहा कि एक सेकंड तक नीचे बॉटम पे रुकना चाहिए, तो ये टूल जो है आपका इस एक्सिस पे रुक जाएगा एक सेकंड के लिए। ठीक है, वो जो है आपका ड्वेल टाइम कहलाएगा। ठीक है, तो ड्वेल टाइम के लिए जो फॉर्मेट होता है G04 के साथ में आपको लगाना पड़ेगा, और ये ड्रिलिंग में खास करके आपको यूज करना होगा। तो ये मैं आपको जनरली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम इसको प्रोग्राम में यूज करके दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। एक्चुअली में ये आपका टूल ऐसा ही मिलेगा आपको। ठीक है, मशीन के अंदर जो है आपको इस टाइप का टूल मिलेगा। ठीक है, ये आपका टूल होल्डर है और ये आपका टूल है। ठीक है, रियलिस्टिक टूल भी आपको ऐसे ही मिलेगा, ये टूल होल्डर आपको ऐसे मिल जाएगा, और ये जो है मैंने इसलिए बनाया है ताकि जो आपको समझ में आ जाए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आपका जो मूवमेंट है वो एक्चुअली हो कैसे रहा है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट के ऊपर जो है जब आप ड्रिलिंग करेंगे तो उसमें जो है खास करके ये यूज होता है ड्वेल टाइम। ठीक है, ड्रिलिंग या बोरिंग आप करेंगे उस ऑपरेशन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ड्वेल टाइम। ठीक है, तो ये देखो 1, 2, 3, 4 ये 4 कोड आप ऐसे हैं, इन्हीं के ऊपर जो है आपकी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग डिपेंड करेगी जी कोड्स में। ठीक है, बाकी देखो बहुत सारे कोड्स इसके अंदर अवेलेबल है, उसको आप जो है नॉर्मली समझ सकते हैं, बट इन 4 कोड पे जो है आपको पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग बनानी है, चाहे आप कैंडिड साइकिल यूज करें, चाहे आप मैनुअल प्रोग्रामिंग करें, या फिर आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोग्राम बनाएं। ये प्रोग्रामिंग जी कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है मैंने आपको ये चीज बताई है। उसके बाद देखो G10 प्रोग्रामेबल डेटा इनपुट सेट ऑफसेट सेटिंग्स, ये जो कोड है ये होता है मल्टीपल जो वर्कपीस लगा दिए हैं उनको जो है आपको एक साथ जो है ऑफसेट लेना है और जो है सबके ऊपर प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो जो है आप G10 ऑफसेट सेटिंग से करते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम प्रोग्राम बना के दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद है आपका G15 पोलर कमांड कैंसिल। अब पोलर कमांड क्या होती है ये चीज देखो मैं आपको बताता हूं।
जी 16 है आपका पोलर कमांड एक्टिव, जी 16 से पोलर कमांड एक्टिव हो जाएगी और जी 15 से हो जाएगा पोलर कमांड कैंसिल। इसके लिए जो है हम ऑटोकैड में आपको जो है कुछ चीजें बता देते हैं। देखिए, जब आप कोई चीज लीनियरली बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको जो है एक सर्कल के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करूंगा। ये सर्कल आपने बना दिया 220 250, ठीक है, 250 सर्कल का आपने बना दिया। यहां से आपने लाइन ली, स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है, यहां पर आपने एक सर्कल बना दिया 25, ठीक है, इसको जो है आपने एरे कर दिया पोलर, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल आपको पता है 60 डिग्री है, ठीक है, ये ऑटोकैड में तो आपने ड्रॉ कर दिया, लेकिन जब आप मशीन में करेंगे तो आपको जो है एक कोड लगाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं G16 यानी पोलर कमांड एक्टिव। अब देखो इसमें होगा क्या, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं एक्चुअल में, इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है, मैं चेक करा देता हूं आपको, ये देखिए, देखिए 60 डिग्री एंगल है। अब 60 डिग्री एंगल के लिए आपने क्या करना है, अब मान लो एक तो आप जो है होल बना लोगे, ठीक है, आप एक स्ट्रेट लाइन से आप एक होल बना लोगे, उस होल से मान लीजिए आपने ये वाला होल कर लिया, ठीक है, एक होल कर लिया, अब इससे जो है 60 डिग्री पर जो है आपको ये दूसरा होल बनाना है, ठीक है, इस होल के रेफरेंस से आपको ये होल बनाना है, तो 60 डिग्री का एंगल चाहिए, तो इसके लिए जो है पोलर जो वैल्यू है जी 16 में 60 डिग्री की वो आपको चाहिए होगी, तो वो हम पोलर कमांड में ये लगाते हैं, तो इसलिए जी 60 कोड हम यूज करते हैं, 16 सॉरी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं जी 16 है पोलर कमांड एक्टिव करने का मतलब है, इसमें हम एंगल वैल्यू डालेंगे, हम जो है कोई भी चीज बना सकते हैं, ठीक है, और जी 15 से हम पोलर कमांड को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका G17 एक्स वाई प्लेन सिलेक्शन। एक्स वाई प्लेन सिलेक्शन जब मैंने आपको प्लेन बताया था, जो भी हम काम करते हैं एक्सिस वाले जो सेक्शन था वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो मशीन है VMC वो एक्स और वाई इन दो एक्सिस में जो है हमारा बेड ट्रेवल करता है, तो VMC जो है आपकी एक्स और वाई जो प्लेन है उसमें जो है आपको मशीनिंग करनी है, ठीक है, तो ये आपका एक्स वाई जो प्लेन है ये बाय डिफॉल्ट रहता है, G17 जो है आपका बाय डिफॉल्ट VMC के अंदर एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। अगर आपको जो है HMC की तरह काम करना है तो आप जो है G18 या G19 कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जनरली जो है HMC की तरह जब हम VMC मशीन का यूज करते हैं तो उसके लिए ये यूज होते हैं G18 और G19, ठीक है। उसके बाद है G20 इनपुट इन इंच, ठीक है, और G21 है आपका इनपुट इन MM, जो वैल्यूज आप डाल रहे हैं, ठीक है, कितनी डायमेंशन का जो है आपको मूवमेंट कराना है टूल का, 1 mm 2 mm, तो अगर आपको MM में रखना है ये पूरी की पूरी डायमेंशंस तो आप जो है G21 कोड यूज करेंगे, और अगर आपको इंच में करना है इंपीरियल, ठीक है, तब आपको जो है G20 कोड यूज करना है, ठीक है। G28 है आपका रेफरेंस पॉइंट रिटर्न। अब रेफरेंस पॉइंट रिटर्न का मतलब है कि आपको अगर अपने टूल को वापस होम पोजीशन पर भेजना है, ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं इसको, अब देखिए आपने होम पोजीशन से अपने टूल को बुलाया, यहां पर कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन किया आपने, ठीक है, आपने कटिंग की या जो भी किया, ठीक है, अब इसको जो है वापस इस होम पोजीशन पर भेजना है तो आपको G28 कोड लगाना है, तभी जो है आपका ये रिटर्न टू रेफरेंस होगा, ठीक है, तो प्रोग्राम में हम जो है इसको बना के भी दिखाएंगे कैसे आप जो है रिटर्न टू रेफरेंस करते हैं, होम पोजीशन पर वापस भेजने को जो है हम रिटर्न टू रेफरेंस कोड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कोड है आपका G30 सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ रेफरेंस पॉइंट रिटर्न। अब देखो सेकेंड थर्ड फोर्थ रेफरेंस पॉइंट रिटर्न क्यों बोलते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट रिटर्न इसलिए बोलते हैं जब मशीन बहुत बड़ी होती है और कंपोनेंट जो है बहुत सारे होते हैं तो हम क्या करते हैं 2, 3, 4, 5 रेफरेंस पॉइंट बना देते हैं जिससे कि हमारा टूल जो है उस रेफरेंस पॉइंट पे चला जाए। बहुत बड़ी मशीन है और बहुत दूर से जो है आपका टूल आ रहा है तो वो ऐसा तो नहीं है कि हम जो है एक बार वर्कपीस पे काम कर लिया तो हम जो है उसको वापस भेज देंगे थोड़ी देर के लिए।
ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें टाइम आपका कंज्यूम होगा। तो हम एक छोटा सा मतलब वर्कपीस के थोड़ी सी दूरी पर जो है एक रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। इसका एक सेटिंग का एक प्रोसीजर होता है, वो हम जो है G30 कोड से हम सेकंड पोजीशन पे लेना चाहते हैं, थर्ड पोजीशन पे लेना चाहते हैं, फोर्थ रेफरेंस पॉइंट पे लेना चाहते हैं, अपने टूल को ले जा सकते हैं, ठीक है। अब ये रेफरेंस पॉइंट क्यों रखते हैं? ये रेफरेंस पॉइंट इसलिए रखते हैं कि उस रेफरेंस पॉइंट पर क्या होता है, आपका जो टूल है, टूल होल्डर है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो मशीन का जो स्पिंडल है उसके अंदर जो टूल लगा रखा है, अगर आपको जो है दूसरा टूल लगाना है तो आपको पहले रेफरेंस करना पड़ेगा, सेफ पोजीशन पे पहुंचेगा, फिर वहां से जो है आपका ATC से आपका जो है टूल चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम रेफरेंस पॉइंट पे जो है कराते हैं, ठीक है। इसलिए जो है ये रेफरेंस पॉइंट हम रखते हैं, ओके। उसके बाद है आपका G40 कटर रेडियस कंपनसेशन कैंसल। कटर रेडियस कंपनसेशन कैंसल, G41 है आपका कटर रेडियस कंपनसेशन लेफ्ट, G42 है आपका कटर रेडियस कंपनसेशन राइट। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इस जी कोड और एम कोड की जो जनरल नॉलेज है वो सीखनी जरूरी है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ उसमें करना क्या होता है। G41 में देखो एक्चुअली क्या है, अब यहां पर देखेंगे आप, 3D में समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखो इस टूल का जो सेंटर पॉइंट है, देखो इसका जो सेंटर पॉइंट है वो पॉइंट और इस वर्कपीस के पॉइंट, ये कॉर्नर, ये जब आप मशीनिंग करेंगे तो ये जो है बिल्कुल मैचिंग होगी, ठीक है, ये मैचिंग होगी। तो जो इसका डायमीटर है वो वर्कपीस में एंगेज करेगा। मैं टॉप व्यू में आपको दिखाता हूं, ऐसे दिखेगा आपको, ये देखिए थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं ताकि जो है ये देखिए ये इसका सेंटर जो है, इसका डायमीटर इसके ऊपर जो है मर्ज करेगा टूल के ऊपर, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो डायमीटर होगा वर्कपीस का, इसको यहां देखिए, ये देखिए ये जो डायमीटर है टूल का डायमीटर है, ये इस लाइन के इस कॉर्नर पे मैच करेगा, ठीक है। तो ये जो डायमीटर जितना इसके ऊपर ओवरलैप करेगा इसको ये कंपनसेट कर लेगा। कब कंपनसेट करेगा? जब हम कटर कंपनसेशन लेफ्ट रखेंगे या राइट रखेंगे। लेफ्ट कब रखना है, राइट कब रखना है, ये चीज आपको जो है डिटेल में जब पता चलेगा जब हम G41 G42 का यूज करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। इसके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक वीडियो बनेगी तभी आपको समझ में आएगा। G41 में क्या है, हम उस डायमीटर को जो है वर्कपीस के साइड से लेफ्ट में ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो लेफ्ट का मतलब ये है कि मैं आपको यहां से समझाता हूं, इसमें आपको समझ में भी नहीं आएगा, यहां से समझिए, ये देखिए। अब इसका डायमीटर जो है अगर हमने इसके पॉइंट और इसके पॉइंट को मैच कर दिया तो देखो ये ओवरलैप कर रहा है कटर। ये ओवरलैप ना करे इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कंपनसेट कर देते हैं। कंपनसेट लेफ्ट कर दिया तो ये जो वर्कपीस के लेफ्ट साइड में जो है ये इस डायमीटर से लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसका सेंटर यहां पर, इसका सेंटर यहां पर, लेकिन इतनी जो दूरी है इसने, ये जो रेडियस है ये इसने अपने आप को इससे लेफ्ट कर लिया, इसने कंपनसेशन लेफ्ट कर लिया। जब हम इसके बाहर से कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहां से कटिंग करते हुए ले जाएंगे तो ये जो है कटर कंपनसेशन लेफ्ट का मतलब है ये कि वर्कपीस इधर हो जाएगा अपने, ठीक है, वर्कपीस से टूल साइड में हो जाएगा, लेफ्ट की साइड हो जाएगा। और जब हम मशीनिंग इस साइड से करेंगे, ठीक है, यहां से करते हुए ले जाएंगे टूल को, ठीक है, यहां से ले जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर जो है कंपनसेशन आपको G42 यानी राइट देनी पड़ेगी। इधर से आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे टूल को तो यहां से आपको G42 देना पड़ेगा, और इधर से अगर आप ले जाएंगे तो G41 देना पड़ेगा। ये चीज आपको जो है एक बेसिक तौर पे आपको समझना जरूरी है। अगर आपको यहाँ पर डाउट आ रहा है तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर हम जो है कंपनसेशन नहीं देंगे तो ये क्या होगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा और जब कटिंग जो इतना एक्स्ट्रा मटेरियल है वो निकालता चला जाएगा, तो ये चीज हमको नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए जो है हम कटर कंपनसेशन लेफ्ट और राइट देते हैं, ठीक है, G41 42। और खास करके जब हम रेडियस या प्रोफाइल बनाते हैं तो उस समय तो हमें जो है G41 42 का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है,
या शोल्डर मिल्डिंग करते हैं, यानी कि बाहर से जब हम कटिंग करते हैं या ड्रिलिंग कर रहे हैं, टैपिंग कर रहे हैं, वहां पर कंपनसेशन की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका G50, आपका वर्क कोऑर्डिनेट चेंज। अगर आपको जो है वर्क कोऑर्डिनेट चेंज करने हैं तो उसके लिए जो है हम ये यूज करते हैं। और दूसरा है मैक्सिमम स्पिंडल सेटिंग। अगर आपको जो है मैक्सिमम स्पिंडल जो है आपको चाहिए कि भैया इतने कॉन्स्टेंट करने हैं, तो आप G50 कोड यूज करते हैं, जैसा कि आप टर्निंग में यूज करते थे। उसके बाद है आपका G51। G51 कोड का यूज करते हैं हम स्केलिंग करने के लिए। अब स्केलिंग करने का मतलब ये है कि मैं आपको एक्चुअली ड्राइंग पे दिखाता हूं, ये चीज आपको जो है स्केलिंग समझ में आ जाएगी। अगर आपको जो है देखिए, स्केलिंग का मतलब होता है कि ये जो साइज है, ठीक है, 130 है, ठीक है, 50 है, ड्राइंग का जो शेप है ये यही शेप चाहिए, बट इसका 50% छोटा चाहिए, तो आप इसको स्केल कर देंगे। अब मैं जैसे इसको एक बार एक काम करता हूं, पहले जो है इसको सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूं और स्केलिंग करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। मैं इसको यहां पर रख देता हूं, ये आपका ओरिजिनल है, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है। इसकी डायमेंशन देख लीजिए, 140 है, ठीक है। जब मैं इसको स्केल करता हूं, यहां से ऑटोकैड में स्केल करता हूं, SC एंटर, इसका बेस पॉइंट लेता हूं मैं आपका ये वाला 0.5 एंटर, देखिए ये स्केल कर दिया, 0.5 का फैक्टर लगा दिया मैंने, तो 70 का रह गया। यहां पर देखिए ओरिजिनल में 140 है, ठीक है, यहां पर देखिए 25 है, तो देखिए यहां पर देखिए ये 50 है, ठीक है। ये रेडियस 25 की थी, यहां पर रेडियस देखेंगे 12.5 की है, तो ये हमने स्केल कर दिया। ऐसे ही क्या होता है प्रोग्राम को, जब हम जो है हम ये पूरा प्रोग्राम ना बना करके हम उसको स्केलिंग वाला जो कमांड है G51 कमांड लगा देंगे, तो हमारा क्या होगा, यही चीज जो है ये प्रोग्राम ने बनाया है इसको जो है वो स्केल करके छोटा बना के डुप्लीकेट बना देगा, तो उसको स्केलिंग कहते हैं। तो ये मैजिक कमांड्स होती हैं, इनका यूज जो है ज्यादातर प्रोग्रामर्स नहीं करते हैं, इसका हम जो है प्रोग्रामर आपको बना के दिखाएंगे कैसे आप जो है G51 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 51.1 प्रोग्रामेबल मिरर इमेज। अब मिरर इमेज क्या होती है, देखिए मिरर इमेज होती है कि ड्राइंग में देखते हैं, देखिए इसको जो है जब आप शीशे दर्पण के रूप में देखेंगे तो ये अपोजिट दिखाई देगी, ठीक है। आपने ये वाला साइड जो है आपने प्रोग्राम बना लिया, अब मशीन में आप चाहते हैं कि जो है इसके अपोजिट में बन जाए डायरेक्ट, आपको दूसरा प्रोग्राम ना बनाना पड़े, तो आप 51.1 कोड लगाएंगे और आपका जो प्रोग्राम है वो मिरर इमेज में बन जाएगा। कैसा बनेगा ये चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, थोड़ी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब जैसे मैं ऑटोकैड में, तो मिरर कमांड करना बहुत इजी है, यही चीज मशीन पे भी हो सकती है, ठीक है। मिरर के लिए आप मिरर कमांड ले लीजिए और ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये इस तरफ से मुंह था और ये इस तरफ से मुंह इसका बन गया। तो ये जो है मिरर कमांड का, मिरर जो प्रोग्राम है वो आप एक ही बार में, जैसे मान लीजिए ये दोनों जो है बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका प्रोग्रामिंग कर दीजिए, G51.1 कोड लगा दीजिए और ये जो है आपका मिरर में ये बन जाएगा। तो ये आपका जो है VMC में फीचर होता है। तो ये इस कोड के लिए आपको G51.1 ये प्रोग्रामेबल मिरर इमेज कमांड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। डेटम शिफ्ट होती है आपकी, जब किसी भी डेटम पॉइंट यानी रेफरेंस पॉइंट को जो है आप चाहते हैं कि ये दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो आपका जो सेम प्रोग्राम है वो आगे बनता चला जाएगा G52 कमांड से। ये भी हम आपको जो है प्रोग्राम बना के दिखाएंगे, ये थोड़ा सा क्रिटिकल होते हैं प्रोग्राम्स, इनके ऊपर भी हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट अब जो है हम फ्रेश वीडियो बनाएंगे इस पूरी सीरीज में, तब तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद है मशीन कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग। जब आपको जो है G53 से क्या होता है, 1, 2, 3, 4 जब मल्टीपल जो है कंपोनेंट बनाने होते हैं, ठीक है, तब आप जो है मशीन कोऑर्डिनेट डायमेंशनिंग का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका G54 से लेकर 59 तक, ये होते हैं आपके वर्ड कोऑर्डिनेट सिलेक्शन, ठीक है। आपने जो है अलग अलग कंपोनेंट बनाए हुए हैं, अलग जगह लगाए हुए हैं, ठीक है, तो वो आप जो डायरेक्ट जो है अलग अलग प्रोग्राम को जो है 53 वाले के ऑफसेट कोई अलग रख सकते, सॉरी 54 वाले के ऑफसेट को अलग रख सकते हैं, 55 में अलग ऑफसेट रख सकते हैं, अलग कंपोनेंट बना सकते हैं, अलग अलग डिजाइन के एक साथ जो है आप 6-7 कंपोनेंट बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो है इसमें प्रोविजन होता है मशीन के अंदर, तो आप जो है एक ही प्रोग्राम में 6-7 जगह पे अपना अलग अलग ऑफसेट डाल के वैल्यू और जो है चला सकते हैं, तो ये चीजें इसके अंदर अवेलेबल होती है। हालांकि इसका यूज कोई करता नहीं है मास प्रोडक्शन में, ठीक है, बट हमारे पास एक प्रोविजन होता है कि हम इसको कर सकते हैं।
उसके बाद है आपका G60 सिंगल डायरेक्शन पोजिशनिंग। अगर आप सिंगल डायरेक्शन में जो है पोजिशन सेट करना चाहते हैं तो वो आप G60 कोड से यूज कर सकते हैं। ठीक है, G61 है आपका एग्जैक्ट स्टॉप मोड। अगर आपको जो है एग्जैक्ट स्टॉप चाहिए उस जगह पर जब आप सेटिंग कर रहे हो तो वहां पर G61 कोड यूज कर सकते हैं, हालांकि यूज करने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, G65 है आपका मैक्रो कॉल। ठीक है, मैक्रो कमांड्स आप जब यूज करना चाहते हैं तो आपको G65 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, G66 है मैक्रो कॉल, मैक्रो मॉडल कॉल। ठीक है, ये G66 जो ये भी आपका जो है मैक्रो कॉल के लिए ही है। ठीक है, G67 है मैक्रो मॉडल कॉल कैंसिल, कैंसिल करने के लिए है। और G68 है आपका रोटेशन कमांड, तो आपको जो है रोटेशन कमांड का यूज करना है तो आप G68 यूज कर सकते हैं। G69 है आपका रोटेशन कैंसिल। ठीक है, तो ये जो है आपके ये बेसिक कोड्स हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कोड्स हैं वो आपके ऊपर ही कोड हैं। ठीक है, 00, 01, 02, 03, 04। ठीक है, उसके बाद जो है आपका G15, 16। ठीक है, 20, 21, 28, 40, 41, 42। ठीक है, अब आपकी जो है कैनड साइकिल्स हैं, ये आपकी G73 से लेकर होती हैं आपकी G89 तक होती हैं। ठीक है, ये आपकी कैनड साइकिल है। उसके बाद जो है G94, 95, 96, 97, 98, 99, इनके ऊपर आपको जो है सेपरेट डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाएगा इस वीडियो सीरीज में, ताकि जो है आप इनके बारे में समझ सकें। तो ये तो है आपके जी कोड्स, इनकी लिस्ट जो है आप अच्छे से समझ लीजिए। और जो मैंने मेन आपको कोड्स बताए हैं उनके बारे में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर प्रोग्राम जब हम बनाएंगे एग्जाम्पल के साथ तब आपको और बेटर ढंग से समझ में आएगा। तो ये तो हो गए आपके जी कोड्स। नेक्स्ट जो है वो है आपके एम कोड्स। तो चलिए एम कोड्स के बारे में जो है हम आगे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। वीएमसी मशीन के थर्ड सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं और यहां पर जो है हम सीखेंगे मशीन कोड्स के बारे में। बेसिकली एम कोड को जो है हम मिसलिनियस कोड बोलते हैं और जनरल लैंग्वेज में जो है हम बोलते हैं इसको मशीन कोड्स। बेसिकली इसका यूज हम करते हैं मशीन के फंक्शंस को ऑन करने के लिए। जैसे अगर हमें मशीन के अंदर जो है कूलेंट ऑन करना है, ऑफ करना है, चक को क्लैंप करना है, अनक्लैंप करना है, 4th axis, 5th axis, ये जो एक्सेस होती हैं इनको क्लैंपिंग अनक्लैंपिंग का जो है कमांड देनी होती है, तो जो है हम इसको जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। अब किस कोड से क्या होता है ये चीज जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला जो कोड है M00, इसको बोलते हैं प्रोग्राम स्टॉप। इसमें क्या होता है जो है जो भी प्रोग्राम आपका चल रहा होगा उसको जो है स्टॉप करना है तो M00 कोड से आप जो है इसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है M01, इसको बोलते हैं ऑप्शनल स्टॉप। इसमें क्या होता है अगर आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है, अगर आपने ड्रिलिंग का एक प्रोग्राम बनाया छोटा सा प्रोग्राम, उसके बाद जो है आप इसको ऑप्शनल स्टॉप करना चाहते हैं तो क्या होगा कि वो प्रोग्राम जैसे ही रन होगा उसके बाद जो है रुक जाएगा। ठीक है, और रुकने के बाद क्या होगा आपको दोबारा से जो नेक्स्ट उसी लाइन उसकी आगे की जो लाइन है उसको स्टार्ट करना है तो आपको जो है साइकिल बटन फिर दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। इसलिए जो है ये ऑप्शनल स्टॉप का कमांड होती है और इसका यूज हम आपको बताएंगे। ठीक है, M02 है आपका एंड ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के जो एंड में आप जो है जब M01 यूज करेंगे तो उस लाइन में जो है आपको M02 का भी एंड में जो है इसको यूज करना पड़ेगा प्रोग्राम को एंड करने के लिए। ठीक है, M03 जो कमांड है इसको बोलते हैं स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज। जो आपका स्पिंडल है, स्पिंडल जहां पर टूल लगा हुआ है वीएमसी मशीन के अंदर, उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज में, वो M03 कमांड से डिसाइड होता है। M03 से आपका जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और M04 से जो है आपका स्पिंडल रोटेशन इन काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो अगर आपको टूल को रोटेट करना है तो आप जो है M04 का यूज करते हैं। ठीक है, M03 और M04 के जो यूज होता है बेसिकली हम जनरली करते हैं थ्रेडिंग के लिए। अगर हमें लेफ्ट हैंड थ्रेड यूज करनी है या राइट हैंड थ्रेड यूज करनी है तो हमको जो है स्पिंडल को M03 में रोटेट करना है या M04 में रोटेट करना है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, M05 कमांड है आपका स्पिंडल स्टॉप। आपका जो है स्पिंडल को रोटेशन को अगर आपको स्टॉप करना है तो आप जो है M05 कमांड का यूज कर सकते हैं। M06 होता है बेसिकली टूल चेंज करने के लिए। जब हमें जो है ATC से टूल को अगर हमें चेंज करना है तो M06 कमांड से हम जो है टूल नंबर डाल देंगे और ये हमारा जो है चेंज हो जाएगा टूल। ठीक है, M08 है आपका कूलेंट ऑन करने के लिए और M09 है आपका कूलेंट ऑफ करने के लिए। M30 है आपका प्रोग्राम एंड एंड रीसेट। ये जनरली जो है हम
जो ऑटो मोड में प्रोग्राम बनाते हैं उनके लिए जो है हम M30 का यूज करते हैं, ठीक है। M98 है आपका सब प्रोग्राम कॉल, अगर जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स का जो है एक सेट बनाया हुआ है आपने कि एक मेन प्रोग्राम और एक सब प्रोग्राम के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप जो है M98 से उसको जंप कराएंगे सब प्रोग्राम पे, और M99 से क्या होता है सब प्रोग्राम एंड एंड रिटर्न, ठीक है, सब प्रोग्राम एंड कर देता है और M99 से क्या होता है ये रिटर्न हो जाता है आपका मेन प्रोग्राम पे, ठीक है। तो ये जो है आपके मिसलिनियस कोड है और इनका यूज जो है मशीन फंक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम इसमें प्रोग्रामिंग के रूल्स समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।